तो एक बार इस बॉल को देखो जो कितने ज्यादा बाउंस करी, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस बॉल को मैंने घर में ही बनाया, जो व्हाइट बॉल होते हैं उसको मैंने घर में बनाया। और उससे भी ज्यादा स्पेशल बात तो ये है, मैंने उसे बनाया इस व्हाइट पॉलिथिन की मदद से। हाँ बिल्कुल, इस व्हाइट प्लास्टिक बैग का मैंने यूज करा है। तो उसको बनाने किस तरीके से उसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉपी के 4-5 पेज ले लेने हैं, ज्यादातर हो सके तो वही पेज लीजिएगा जो हमने यूज कर लियो, क्योंकि बहुत ज्यादा पेज वेस्ट हो जाता है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से पेज लेने के बाद आपको उन्हें बॉल की शेप में गोल गोल फोल्ड करते रहना है। अगर आपने देखी हो तो पहले की भी मैंने 2-3 बॉल ऐसे ही बनाई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस आगे जाके अलग होने वाला है। देखिए अब हमें फॉइल पेपर का यहाँ पे यूज करना है, और मैं आपको एक बात बता दूं और कि हम यहाँ पे टेप बॉल नहीं बना रहे, मतलब हम यहाँ पे ना टेप का यूज करने वाले ना ही ग्लू का, हम इन्हें बिना टेप और ग्लू के बनाएंगे और एक काफी ज्यादा मजेदार होगी। फॉइल पेपर करने के बाद उसे गोल शेप में ले आएंगे थोड़ा सा, और अब यहाँ पे हम यूज करेंगे धागे का। धागे को हमें अच्छी तरीके से अपनी बॉल के ऊपर लपेट लेना है, मतलब अच्छी तरीके से बांध देना है। इतना करने के बाद अब देखिए गाइस आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से गोल शेप में लाने की कोशिश करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको हैमर या किसी भारी चीज से अच्छी तरीके से मारेंगे, जिसकी वजह से जहां जहां गोल नहीं आई होगी वहां गोल हो जाएगी। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये धागा बार बार खुल जा रहा था, देखो इसको आप फेविक्विक की मदद से चिपका सकते हो, वरना जो आगे का प्रोसेस है वो इसे कवर कर देगा। तो देखो अब हमें अपना प्लास्टिक बैग ले लेना है और इसका छोटा सा पार्ट हमें कट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कट कर लेता हूँ, तो आप देख ही सकते हो छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे बॉल को कवर कर देंगे और फिर उसके ऊपर हम फटाफट से अपना दोबारा थ्रेड लगा देंगे, अपना धागे को बांध देंगे। और सफेद धागा है आप यूज करना, वो ज्यादा सही रहेगा, दिखेगा भी नहीं। देखो ये बाउंस करना तो अभी से शुरू कर चुकी है और आगे तो काफी ज्यादा बाउंस करेगी जब इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो उसके लिए आप हम क्या करेंगे गाइस, इतना कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे जो धागा इसके ऊपर फेविक्विक लगा देना हो सके तो, ये बार बार खुल जा रहा था। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें लगाना है व्हाइट बैलून। व्हाइट बैलून आप लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हम व्हाइट बॉल बना रहे हैं तो व्हाइट भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहें तो इसी की तरीके से रेड बॉल भी बना सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर आप रेड बॉल बना दोगे तो आप रेड कलर का बैलून लगा देना और रेड बन जाएगा। देखो आपको ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना, आपको व्हाइट बॉल का नीचे वाला जो अपना व्हाइट बॉल कह रहा हूँ सॉरी व्हाइट बैलून का नीचे वाले हिस्से को कट करना है, और इसे कुछ इस तरीके से लेने के बाद आपको उसे अच्छी तरीके से अपनी बॉल के ऊपर लगा देना है। अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए, यह प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आपकी बॉल बाउंस ही नहीं करेगी। आपको अपनी बॉल के ऊपर अच्छी तरीके से अपने बैलून को लगाना है, फिर दूसरा बैलून के लिए आपको वहां से लगाना है जहां पे आपकी हल्की सी जगह बच गई हो, ना बची हो तो कोई बात नहीं, कैसे भी लगा लेना। देखो इतना कंप्लीट होने के बाद अभी भी इसमें एक चीज की कमी थी, वो था इसका ब्लैक टेप। ब्लैक टेप मतलब जो ब्लैक आउटलाइन होती है इस बॉल के ऊपर, वो बनाने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा, जिसकी तरीके से इसका मार्केट जैसा लुक आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैक टेप का यूज करूंगा, और उसकी पतली सी स्ट्रिप कट करने के बाद फटाफट से मैंने कवर कर लिया, और ये अपनी बॉल बनके रेडी हो चुकी है, जो काफी बढ़िया लग रही है। इसमें कमी तो सिर्फ एसजी के लोगो की थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब भी मैं बॉल बनाऊंगा तो उसमें भी लोगो लगा दूंगा। तो अगर आपको ये बॉल अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट बॉल कौन सी बनाऊं ताकि मैं वो बॉल बना सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देखो जो आपको स्क्रीन में दिख रही है। बाय।